हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे बाइसेप के वर्कआउट की। बाइसेप का हम प्रॉपर वर्कआउट कर रहे हैं, बाइसेप की शेप भी हमें प्रॉपर मिल रही है, बट बाइसेप की जो प्रॉपर मसल है ना, जो हमारी शार्पनेस है बाइसेप की, कटिंग है, जैसे ये ट्राइसेप हो गया, ये हमारा बाइसेप हो गया, ये हमारी कैप होगी बाइसेप की, और साथ में ये साइड सेप हो गया, ये ट्राइसेप हो गया, ये जो हमारी चार मसल हैं ये अच्छे से बिल्ड नहीं हो पा रहे। हम डाइट तो अच्छी फॉलो कर रहे हैं, वर्कआउट भी प्रॉपर कर रहे हैं, हमारा बाइसेप का रिजल्ट भी आ रहा है, अच्छा साइज भी बन रहा है, बट उसके अंदर शार्पनेस और कटिंग नहीं आ रही है। अब शार्पनेस और कटिंग क्यों नहीं आ रही है, इसका छोटा सा ही लॉजिक है। आप क्या करो, इसके लिए आप इंटेंसिव वर्कआउट कर सकते हो। आप इंटेंसिव का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेट। आपको एक पर्टिकुलर मसल के ऊपर फुल कंसंट्रेट करना है, फुल अपना फोकस करना है, और उसके बाद आपको वर्कआउट परफॉर्म करना है। उससे क्या होगा, आपकी प्रॉपर शार्पनेस, कटिंग जो आप चाहते हो वो आप इजीली पा सकोगे। अब इंटेंसिव वर्कआउट कैसे परफॉर्म करना है, इंटेंसिव वर्कआउट परफॉर्म करने से सिंपल से फंडे हैं, वो है आपके, डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर। अब आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, जैसे कि आप बाइसेप के ऊपर 20 किलो के डंबल प्रेस कर सकते हो इजी से, आपकी ये स्ट्रेंथ है कि आप 20 किलो के डंबल परफॉर्म कर सकते हो आपके बाइसेप के ऊपर। जब आप इंटेंसिव वर्कआउट करोगे तब आपको उसको क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना मतलब हाफ वेट कर देना, और उसके बाद अपने बाइसेप के मसल को परफॉर्म करना है। और जो बंदा 15 लगाता है वो 7.5 लेगा, जो बंदा 10 लेता है वो 5 लेगा, और जो बंदा 5 लेता है वो 2.5 के लेगा। सब वेट्स आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे जिम के अंदर। तो आपको इंटेंसिव वर्कआउट कब परफॉर्म करना है, अब मैं बाइसेप का वर्कआउट कर रहा हूँ बाइसेप के दिन, अब इंटेंसिव किस दिन परफॉर्म करूँगा, ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है। इसको क्वेश्चन को अभी हम खारिज कर देंगे। इसको परफॉर्म करना है आपको बाइसेप के दिन ही परफॉर्म करना है, और बाइसेप के दिन आपको क्या करना है, जब अपना पूरा वर्कआउट आपने परफॉर्म कर लिया, आज मेरे बाइसेप के जितने भी सेट थे वो मैंने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद जो मैं आज 5 आपको इंटेंसिव वर्कआउट की एक्सरसाइज बताऊंगा इनको परफॉर्म करना है। उसके बाद आप एक एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 3 करते हो, या फिर 5 कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आप में कितनी स्ट्रेंथ बची हुई है, क्या आप परफॉर्म कर सकते हो। और उस वक्त अगर आपने ये इंटेंसिव वर्कआउट परफॉर्म करोगे तो वो आपकी स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करेगा, और आपकी अच्छे से शार्पनेस और आपकी बॉडी में अच्छी कटिंग भी बिल्ड करेगा। सो गाइस, आज हम बात करेंगे किस तरह से आप जिम के अंदर आप इंटेंसिव वर्कआउट करके अपने बाइसेप के अंदर शार्पनेस, कटिंग और बाइसेप को आप अपना अच्छे से सुंदर बिल्ड कर सकते हो। सबसे पहली जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें क्या करना है, आपको कर्ल डबल टैप रॉड प्रेस करनी है। इसमें क्या करना है, आपको कर्ल रॉड लेनी है, उसके ऊपर वेट लगाना है। वेट आप लगा सकते हो 5 से 7.5 के बीच में। वेट लगाने के बाद अब जब हम इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे तो हम इसमें डबल टैप करेंगे, हाफ लाएंगे, हाफ ऊपर फिर हाफ ऊपर फिर देन फुल। डबल टैप के बाद फुल करेंगे आप, पहले फुल नहीं करेंगे, और फुल परफेक्शन और डिसिप्लिन के साथ इसको परफॉर्म करना। और इसमें आप रैप्स लगा सकते हो 15 से 20 तक, और 20 से 30 में भी लगा सकते हो। कम वेट है ज़्यादा रैप्स लगानी है, ज़्यादा वेट है कम रैप्स लगानी है। इस तरह से आप इंटेंसिव वर्कआउट को परफॉर्म कर सकते हो। और आपको जब इसको परफॉर्म करना है, आपको हाफ लाना है, फिर हाफ लाना है, फिर फुल लाना है। इस तरह से आपका एक एक्सरसाइज, एक रैप्स कंप्लीट होगी। इस तरह के आपको 10 से 15 रैप्स लगानी है, जिसमें 3 टैप होंगे, फर्स्ट सेकंड एंड कंप्लीट, फर्स्ट सेकंड एंड कंप्लीट। ये थी हमारी पहली एक्सरसाइज, डबल टैप कर्ल रॉड। नंबर 2 हमारी एक्सरसाइज है डबल टैप डंबल प्रेस। अब डंबल प्रेस में मैंने आपको बताया वेट कितना लेना है, हाफ लेना है, जितनी आपकी स्ट्रेंथ है उसके हाफ लेना है। और उसके बाद इसमें भी आपको डबल टैप करना है, 1 2 देन फुल अप, 1 2 देन फुल अप। ये आपकी एक रैप्स हुई, जिसमें आपके 3 कंप्लीट टैप होंगे, 3 इस पे होंगे, फिर जाके आपकी एक रैप्स होगी। इस तरह से आपको क्या करना है, 15 मिनिमम रैप्स परफॉर्म करनी है, 1 2 3, 1 2 3, ये आपकी कंप्लीट एक रैप्स हुई। इसी तरह से आपको 15 रैप्स आपके बाइसेप के मसल के ऊपर परफॉर्म करनी है। तो इस तरह से आप डबल टैप डंबल प्रेस एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो। अब मैं तीसरी एक्सरसाइज बताऊंगा, बहुत ही इंटेंसिव है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आप 2.5 किलो के वेट से शुरुआत कर सकते हो। इसमें आपको क्या करना है, कर्ल रॉड लेनी है, जस्ट स्ट्रेट रॉड लेनी है, वो भी कितनी लेनी है, आपके शोल्डर लेवल कितनी हो, इससे थोड़ी वाइडर हो। उसके बाद क्या करना है, आपको उसके अंदर क्या करना है, प्लेट्स लगा देनी है, छोटी सबसे छोटी 2.5 किलो या फिर 5 किलो की, और उसके आउटर से आपको रॉड को पकड़ना है, आउटर से रॉड पकड़ के अल्टरनेट प्रेस करना है, 1 2 1 2। इस तरह से आपको इस रॉड को प्रेस करना है, 1
वन, मतलब एक रैप्स हुए। इस तरह से आप 15 रैप्स कर सकते हो। इसमें भी आपकी परफेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपनी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और सिर्फ बाइसेप के मसल के ऊपर आपका लोड आना चाहिए और कहीं पे भी नहीं आना चाहिए। इस तरह से कंसंट्रेट आपके पर्टिकुलर मसल के अंदर फुल ध्यान होना चाहिए, आपकी फेस बिल्कुल आगे होना चाहिए और उसके बाद आपको धीरे धीरे स्लोली स्लोली इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। अगर इन एक्सरसाइज को अपने वर्कआउट के बाद अगर आप परफॉर्म करोगे तो आप 3 महीने या 4 महीने के अंदर आप सब मसल देख सकते हो अपने आर्म्स के अंदर। ये जो 4 मसल होते हैं, पीक, कैप, बाइसेप, ट्राइसेप, ये जो 4 मसल आपको अच्छे से दिखेंगे अगर इनको आप परफॉर्म करोगे अपने बाइसेप के वर्कआउट के बाद। ये होगी हमारी 3 एक्सरसाइज। अब मैं 4th एक्सरसाइज की बात करूंगा, ये अक्सर आपने करी भी नहीं होगी या फिर करी होगी आपने, लेकिन इस एक्सरसाइज को मैं बोलता हूं कर्ल करना है, हैमर कर्ल ऑन द टेबल। इसमें क्या करना है, टेबल के ऊपर आपको बाजू रखनी, हाथ रखना है इस तरह से टेढ़ा हाथ रखना और उसके बाद डंबल पकड़ना है और फिर उसको टेढ़ा कर्ल करना है। टेढ़ा मतलब कि इस तरह से बिल्कुल सीधी, फिर थोड़ा सा अप करना है ताकि आपका डंबल टेबल के साथ टच ना हो, टेबल का टच ना हो, और उसके बाद आपको क्या करना है, डंबल को स्लोली स्लोली कर्ल करना है। वेट आप इसमें ले सकते हो 5 किलो से 7.5 किलो के बीच में, ज़्यादा नहीं उठा पाओगे। ज़्यादा उठाओगे तो बाजू में आपको क्या होगा, थोड़े डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाएगी उसके वेट के कारण और आपके जॉइंट्स के ऊपर पेन आ सकता है। इसलिए लाइट वेट से इसको परफॉर्म करना, और ये बहुत ही शानदार एक्सरसाइज है, ये आपके पीक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को अगर आप अच्छे से परफॉर्म करोगे तो बहुत जल्द आपको रिजल्ट आएगा। सो इस तरह से आपको इन एक्सरसाइज को परफॉर्म करना, इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते समय आपकी परफेक्शन और डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं करना है, धीरे धीरे ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। जी होगी हमारी 4 एक्सरसाइज है। अब हम बात करेंगे 5वीं एक्सरसाइज, और 5वीं जो हमारी एक्सरसाइज है बहुत ही इंटेंसिव है। इसमें क्या करना है, आपको सिंगल डंबल लेना है और डबल हैंड के ऊपर पकड़ना है उसका अदर हैंड, एक साइड से उसको पकड़ के उसको फिर धीरे धीरे से परफॉर्म करना है। अब इसमें आपको डंबल का वेट होना चाहिए आपका 5 से 7.5 किलो, में 10 kg भी ले सकते हो आपकी स्ट्रेंथ के अनुसार। अगर आपकी अच्छी स्ट्रेंथ है तो आप 10 किलो का डंबल भी ले सकते हो। जितना हो सके ये इंटेंसिव वर्कआउट है, इसमें आपको लाइट वेट ही लेना है। ये नहीं है कि मेरी स्ट्रेंथ 20 तक है मैं 10 ले रहा हूँ, इसमें शर्म की बात नहीं है। जितना इंटेंसिव वर्कआउट करोगे उतना कोर तक जाएगा। तो आपको इसमें क्या करना है, डंबल पकड़ना है, डंबल पकड़ के स्लोली स्लोली फुल डाउन लेना है और फिर फुल अप लेना है, फुल डाउन लेना है, फुल अप लेना है। इसमें आपका सिर्फ बाइसेप का मसल वर्क करना चाहिए और कोई भी मसल नहीं करना चाहिए। फुल बॉडी आपकी स्टेबल होनी चाहिए, बिल्कुल भी बॉडी हिलनी नहीं चाहिए। इस तरह से अगर अच्छे से आप परफॉर्म करोगे तो आपको रिजल्ट 6 महीने के अंदर मिलेगा, आपका कंप्लीट बाइसेप बिल्ड होगा। ये बाइसेप, ये ट्राइसेप, बाइसेप और ये हमारी कैप, सब मसल के पार्ट अच्छे से बिल्ड हो जाएंगे, आपका बाइसेप भी अच्छे से शार्प हो जाएगा। सो गाइस, ये थी हमारी 5 इंटेंसिव बाइसेप वर्कआउट, किस तरह से हम परफॉर्म कर सकते हैं ये भी मैंने बता दिया, और इनको आप अपने बाइसेप के वर्कआउट के बाद परफॉर्म कीजिए, 5 एक साल कीजिए या 1 कीजिए, मिनिमम 1 तो करनी करनी है इंटेंसिव, आपको वर्कआउट करना ही करना है। हर वीक में एक एक्सरसाइज ले सकते हो, 5 वीक में अलग अलग 5 लगाओ, आप जैसा करना चाहते हो, आपकी जैसी स्ट्रेंथ होगी। सो इन एक्सरसाइज को परफॉर्म करके अपने अच्छी सी बॉडी को बिल्ड कीजिए, अपने मसल को अच्छा सुंदर और शार्प बनाइए। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, इसी तरह हम आपको कुछ ना कुछ नया बताते रहेंगे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।